आईडी बना लेगा। मैं सबसे पहले थैंक यू हर्बल लाइफ। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो चुकी है, घर का काम भी ख़त्म होने आ रहा है और मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, आ गई हूँ किचन में, मेरा राइस बन रहा है और किचन प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, अभी बनाऊँगी खाना। तो मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ मैं। तो आप लोग सब कैसे हो? आज थोड़े से पंखे का वो ऊपर का वो साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने दुपट्टा इस तरीके से बांधा है। आप भी सोचोगे दीका कौन सा अवतार है, नया अवतार नहीं है, थोड़ा सा मतलब काम का लुक है या मेहनत वाला लुक है। तो आ गई हूँ बेडरूम की तरफ, घर पूरा खाली, अकेली हूँ। अमन गया ट्यूशन, तमन्ना आज उठ ही नहीं रही है, इतना लेट हो गया, स्कूल इसके लिए नहीं भेजा क्योंकि ना कल उसको ट्यूशन में थोड़ी सी पनिशमेंट मिली हुई है, 200 टाइम का उठक बैठक करवाया सर, 200 ही। उसके पैर में दोनों थाई उसकी बहुत पेन कर रहा है। एक एक्चुअली देखा जाए तो ये सब मतलब एक्सरसाइज जो होता है ना बेस्ट होता है, अच्छा रहता है, ये देखिए 200 ही अच्छा रहता है। तो अभी उसको पैर में बहुत दर्द है, तो मैंने ना राई का तेल और पाम को अच्छे से हाथों से गर्म करके वार्म करके उसको मसाज करके दिया है, तो थोड़ा सा अभी सुकून में है वो, तो बस चल रहा है। लाइफ की गाड़ी चलती रहती है, कभी सुख कभी दुख कभी कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ आया बहुत कुछ गया। तो रमज़ान भी नज़दीक आ रही है, लेकिन इस बार का रमज़ान फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो रमज़ान की प्रिपरेशन, जो खाने पीने की चीज़ें मॉल जाके शॉपिंग करके घर भर लेती थी, इस बार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस बार का जो रमज़ान है सिर्फ फ्रूट्स के साथ ही रखना है, ना तला हुआ ना फ्राइड ना कुछ कुछ नहीं चाहिए। मैं मार्केट निकलूँगी तो हर चीज़ समझ में आएगा कि ये फ्राई के लिए ले लूँ, ये मोज़रेला चीज़ ले लूँ, ये सारे अनहेल्दी चीज़ें मैं बाय ना कर लूँ, मतलब शॉपिंग ना कर लूँ, इसके वजह से मैं शॉपिंग मॉल में नहीं जा रही हूँ। क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना डाइवर्ट हो ही जाता है, जब मार्केट में आपको इतने कुछ दिखे ना खाने के लिए तो इंसान फिसल ही जाता है, तो ना जाओ और ना फिसलो, ये है मेरा कॉन्सेप्ट। और मैं बच्चों को भी ना हेल्दी चीज़ें देना चाहती हूँ, अगर उनको मन करे ना मैं अपने हाथों से घर का बना हुआ कुछ हेल्दी चीज़ें दे दूँगी, लेकिन मार्केट का तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, लगभग 6 महीने होने आ रहे हैं। संडे को फिर भी बच्चों को मतलब बाहर का फ्राइड राइस दिला देती थी, अब तो वो भी बंद कर दिया, सूप पीते वो लोग। तो मेरे घर पे अब बिल्कुल भी बाहर का मार्केट का कुछ भी नहीं है, जो भी होगा तो आप लोगों को वीडियो में दिखेगा, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जो घर का बना रही हूँ वही खा रहे घर पे, हमारे जो मतलब हस्बैंड को पसंद हो या बच्चों को पसंद हो उनसे पूछ के उनके पसंद का जो है रेसिपी बनता है। तो कल ना हम लोग मीठे पानी का मच्छी लेकर आई थी मैं जाकर शाम को, तो आज बनने वाला है उसका खट्टा सालन, मतलब कच्ची कैरी के साथ और आलू डालकर एक सालन बनता है, हमारे कोलकाता का फेमस है वो, मेरे गाँव का फेमस है ये रेसिपी, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी से बनता है। अगर मैं ट्राई करूँगी टाइम मिला तो वो रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी, ठीक है? तो ये बनेगा, और जो मूली की भाजी पत्ते वाली भाजी होती है ना उसका भाजी बनाऊंगी, ये सोचा है मैंने। और ब्रेकफास्ट आज स्किप करने वाली हूँ, फ्रूट्स ले लूँगी ब्रेकफास्ट में, और जो भी हो, क्योंकि आजकल ना थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट स्किप कर दूँ, लेकिन अगर कुछ बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है? चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सुबह की मॉर्निंग की, ठीक है? तो चलिए फटाफट से रवा बना लेते हैं। रवा को ना मैं घी के साथ रोस्ट कर रही हूँ, आज मन कर रहा है थोड़ा सा उपमा बनाने का, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट बच्चों के लिए उपमा। पहले इसको ड्राई रोस्ट करते हैं, है ना? तो गाइस ये हो चुका है भुंगे, इसको मैं अभी पलट लूँगी दूसरी जगह पे, और चलिए मैंने टोप को खाली कर लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी घी, ठीक है? इसमें डालूँगी राई जीरा, हाँ
डालूंगी अदरक। हो गया हमारा उपमा बनके तैयार। और दूसरी साइड पे मैंने जो है फ़िश भी फ्राई करने रख दिया है। ये मीठा पानी का फ़िश है, रोहू मच्छी है। इसका मैं अभी बनाऊंगी खट्टा सा सालन आलू डालकर। बहुत ही टेस्टी बनता है ये रेसिपी। और अगर हो सके ना तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ वो दिखाऊँ। लेकिन सच में बहुत ही टेस्टी होता है ये रेसिपी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना इसको। तो चलिए फटाफट से निकाल देती हूँ बच्चों के लिए उपमा। कैसा है ये? सच में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन इससे जो बताते हैं आज मूली की भाजी मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, ये लहसुन और मिर्ची, लहसुन कूट के डाला है तेल में और मिर्ची। और पहले से मैंने मूली की भाजी को ना उबाल के रखा है मैंने नमक के साथ। ठीक है, बॉयल करके रख लिया है। अब इसको अच्छे से चला लूँगी। गाइस अच्छे से ये ब्राउन हो चुका है। अभी इसी स्टेज पे ना मुझे एक अंडा डाल देना है और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है। और अब इसको अच्छे से चला लेना है इस पे अच्छे से। उड़ ना जाए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अंडा लगा हुआ है जो मैं इसको चिपक गया है ये। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। ठीक है, तो गाइस चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाने बैठ के। ये खट्टा सालन मेरा टेस्टी सा, आम के साथ, कैरी के साथ खट्टा सालन और मूली की भाजी। और ये मेरा थाली, लंच थाली, और कितने सारे सैलेड। और साथ में आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज पूरी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, पूरी फैमिली के साथ बैठ कर लंच कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रोज़ अकेली खाती हूँ, लेकिन आज सबके साथ खाने में ज़रा बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी आज थोड़ा लेट ही खाए। कैसा है ड्रेस? अच्छा है मम्मी, अब बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तो पतले भी लग रहे हो। वाओ, कैसे हो? बहुत प्यारे लग रहे हो। ये सब 3XL ड्रेसेस है और आराम से कंफर्ट। ये देखिए ढीला है, ये देखिए मुझे ढीला है, ये 3XL भी मुझे ढीला है। आराम से कलर कैसा लग रहा है मुझे? अच्छा लग रहा है, होली से पहले अच्छा लगता है। गाइस कैसा लगा मेरा ड्रेस आपको बताना, ठीक है? तो गाइस चलिए फटाफट से जाती हूँ सेंटर। मैंने अभी थोड़ा सा अंगूर खाया है, थोड़ा सा अंगूर खाया है और ग्रीन टी पी लिया था मैंने। और अभी जा रही हूँ मैं सेंटर, तबीयत आज ठीक नहीं है।
तो घर में रह के रेस्ट करिए बेस्ट रहेगा। और उसके पास एक फ़ोन रखा है, फोन दे दिखा। हाँ ये फ़ोन उसके पास रखा हुआ है, और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको कॉल करके बात करती रहूँगी और जल्दी आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, फिर मैं सेंटर जा नहीं पाऊँगी और बीच में छोड़ना भी सही नहीं रहेगा, मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं, और वो वैसे भी आदत है घर पे रहने की, और 8 बजे अमन भी आ जाएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर आपसे बात करूँ। उसके साथ होता है शाम का थोड़ा बहुत आहार, रात का न्यूट्रिशन या फिर रात का घर का जो भी खाना है वो लेना है। उसके साथ पौना घंटा कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा कुछ ना कुछ वर्कआउट, जो कैलोरीज बर्न के लिए भी उपयुक्त है और हमारी जो एक्टिविटी की वजह से हमारे शरीर के सारे हिस्से कार्यरत रहते हैं, क्योंकि आजकल कोई चलता नहीं है, ज़्यादा कोई घूमता नहीं है, टू व्हीलर है तो दरवाजे तक टू व्हीलर आती है, इसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो जब भी हम इस फील्ड में आते हैं तो कोई ना कोई कुछ कारण आता है, किसी का वजन का प्रॉब्लम रहता है, किसी का डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है, किसी की कुछ और बीमारी रहती है, तो उसके लिए लोग आते हैं। तो हम ये न्यूट्रिशन के साथ है ना आपको वर्कआउट भी देते हैं, अलग अलग मशीनरी है जो आपसे एक्स्ट्रा वर्कआउट करवा के देते हैं, तो ये सब कुछ जरूरी है। और उसके साथ होता है थोड़ा पानी, जिसका वजन 20 किलो है तो उसको दो, यानी कि हमें जो नियम बताया वो बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी 40 के लिए 2 लीटर, 60 के लिए 3 लीटर, और जिसका वजन 80 है उसको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, ताकि हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो। और उसके साथ होता है कि जैसे कि गुजराती लोग या जैन लोग बोलते हैं कि 7 बजे से पहले खाना जरूरी है, सूर्यास्त के पहले, क्योंकि वो खाना ना हमें बराबर हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक है ना हमारी पाचन क्रिया अंदर से चालू होती है। समझो कि मैं 11 से पहले नहीं सोया, एक एग्जांपल, मैं 12 बजे सोया, कितना 12 बजे, तो मेरा 1 घंटा ना फोकट गया। भले मैं सुबह 7 बजे उठूँ, 8 बजे उठूँ, 9 बजे उठूँ, वो कोई मायने नहीं रखता है। एग्जाम्पल तो हर्बल लाइफ का एक बेसिक है ना, ये है ना शेक मिक्स है, इसमें ना अलग अलग फ्लेवर है, ये ना किलो लॉस एंड मसल गेन करता है, यानी कि जिसको भी वजन बढ़ाना है ना तो मसल गेन भी करते हैं, जिसको फैट रिड्यूस करना है वो भी करता है, ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला 1 शेक। क्या बोलते हैं शेक? अलग अलग देशों में अलग अलग फ्लेवर है, हमारे इंडिया में टोटल 8 फ्लेवर है, हफ्ते के दिन 7 है, क्योंकि फ्लेवर 8 बनाइए, तो हर किसी को ना हर दिन एक एक फ्लेवर लेना है, टेस्ट लेना है। ये कम कैलोरीज का है, 180 कैलोरीज में ना पूरा थाली वाला खाना आता है। पुराने लोग पिक्चर में हम देखते थे कि बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल होता है, उसमें ना 15-16 अलग अलग कटोरी में कुछ ना कुछ खाना देता है, थोड़ा थोड़ा परोसते हैं। तो हमारा डिश कैसा होना चाहिए? कलरफुल, यानी कि हर एक कलर की सब्जी, अलग अलग डिश। तो हम अभी फिलहाल नहीं खा रहे, आजकल क्या हो रहा है टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं घर पर एक ही सब्जी बनाते हैं खाते हैं, बहुत सारे लोग वो भी नहीं खाते, आज भी ले सकते हो। जिसको भी वेट लॉस करना है ना उनको 2 बार लेना है, सुबह भी लेना है और रात को भी लेना है, और जिसको वेट गेन करना है उनको 3 बार लेना है, सुबह भी लेना है, दोपहर को भी लेना है और रात को भी लेना है। और इसकी वजह से बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसकी वजह से ना किसी की कुछ बीमारी होती है ना वो भी नॉर्मल में आहिस्ता आहिस्ता आती है। ये फूड प्रोडक्ट है, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, किलो लॉस और मसल गेन के लिए उपयुक्त है। इसके साथ है ना हम यहाँ पे देते हैं प्रोटीन बेस, ये प्रोटीन है। तो ये जैसे कि समझो कि कोई पर्सन है वो 4 रोटी खाता है, कोई पर्सन है 2 रोटी खाता है, तो 2 रोटी वाले के लिए होता है कि 1 चम्मच लेने का, और जो ज़्यादा रोटी खाता है उसको इससे तो कंट्रोल में भूख होगी नहीं, तो उसको 1.5 स्पून लेना है, 2 स्पून लेना है। तो हमें वो चेकअप के बाद पता चलता है कि उनका खान पान कितना है, कितने वक्त पे कितना खाता है, तो वो हिसाब से हम प्रोटीन सजेस्ट करते हैं। और ये प्रोटीन क्या होता है मालूम है? मसल बिल्ड के लिए ज़रूरी है। और ये प्रोटीन है ना आप ठंडे पानी में भी ले सकते हो, गर्म में भी ले सकते हो, आटे में भी डाल सकते हो। 12 साल के बाद कोई भी ये प्रोडक्ट ले सकता है, शेक भी और ये प्रोटीन। इसके साथ होता है एवरेस्ट, ये एनर्जी ड्रिंक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल है खून में बढ़ी हुई चर्बी जो बने से कभी कभी हार्ट अटैक आता है, इसमें क्रोनियम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल में लाता है। ये ना हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। और सबसे तो चाय भी अच्छी है, लेकिन चाय क्या करती है? एसिडिटी लाती है और कड़की की बीमारी लाती है, मतलब जो ज़्यादा चाय पीता है ना वो खाना खाता नहीं, और खाना खाने के बाद खाना हजम भी नहीं होता है। ये भी अलग अलग 7 फ्लेवर है, ये पीने से ना हमारी एनर्जी बढ़ती है। ये ठंडे पानी में भी पी सकते हो, नॉर्मल पानी में भी पी सकते हो, या
गर्म नहीं पी सकते हो। लेकिन जिसको भी वेट लॉस करना है ना, ज़्यादा करके जितना आप गर्म दोगे उतना वेट लॉस अच्छा होगा। जैसे खाना खाते तो हमारे अन्न नलिका का कुछ ना कुछ चिपकता है, तो गर्म पीने से ना ये अन्न नलिका सफा होती है और मेन है ना ये किडनी को सफा करता है। देखो हम अलग अलग चीज़ हर दिन पीते हैं, दूध का कलर व्हाइट रहता है, चाय का कलर अलग है, कोल्ड ड्रिंक का कलर अलग है, मैंगोला का कलर अलग है, लेकिन हम यूरिन को जाते हैं तो यूरिन होते हैं ट्रांसपेरेंट, तो सारा कलर कहाँ जमता है किडनी में, तो ये क्या करता है किडनी को अच्छा करता है। और किसी किसी को स्टोन की बीमारी होती है तो इसकी वजह से स्टोन की बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। किसी को 12 दिन का स्टोन रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता 8 का होता है, 6 का होता है, 4 का होता है, फिर जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे ताकि यहाँ का बेसिक है और ये न्यूट्रिशन के साथ है ना, आपको ना बराबर पानी पीना है, अच्छा सा नींद लेना है और हमें ये प्रयास करना है। और इसके साथ मैं हर्बल लाइफ में आई थी 3-4 महीने पहले, मुझे हेल्थ इशू बहुत सारे थे, मैं बहुत डीमोटिवेट थी और वेट तो मेरा इतना था 92 kg वेट था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, घुटने में दर्द, रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, थकान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद फिर फाइनली मुझे यहाँ का पता चला। तो यहाँ आने के बाद जो मैंने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग को मुझे पता नहीं चला कैसे क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कुछ 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरा थायराइड जो बहुत ज़्यादा हाई था, इतना हाई था कि उसकी वजह से मुझे चक्कर ही आते रहते थे और सूजन होता था बॉडी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जो अभी इस प्रोडक्ट को लेने के बाद, हर्बल लाइफ लेने के बाद मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन के लिए मना कर दिया है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मुझे मतलब मैं फेस कर रही थी, ऐसे मतलब रात को नींद ना आना मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, और आलस था बॉडी में बहुत ज़्यादा, मतलब थकान से रहता था, वो सारी चीज़ें मुझे अब बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। मैं ऐसा लगता है कि मैं इतनी यंग हूँ, मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बहुत एनर्जी फील होने लगा है। और साथ साथ में प्लस पॉइंट में क्या है कि मुझे लगभग 10 kg तक वेट मेरा लूज हुआ है और 5XL से 3XL में आ गई हूँ मैं। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर्बल लाइफ का, थैंक यू सो मच दिनेश सर का, रामू सर आपका, और यहाँ जो भी सब मुझे मतलब मोटिवेट करते हैं, और एकर भाव जो हमेशा बोलते हैं कि नहीं सही क्या है गलत क्या है, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और हर्बल लाइफ को थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। 20 नहीं 25 नहीं पूरे 28 kg वेट लॉस, नमस्कार साहेब। नमस्कार, मैं चंद्रकांत रेड़कर, मैं चंद्रकांत रेड़कर। अभी मेरे बहन ने कहा कि वेट लॉस करने के लिए हर्बल लाइफ थैंक यू, तो मैं सबसे पहले थैंक यू हर्बल लाइफ और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के वजह से जो भी अभी मैं झटके से उठ गया, खड़ा हो गया, उस तरीके से मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा गांगुड़े सर, दिनेश सर, दिशा मैडम और पूरा स्टाफ। जब मैं आया था तो 122 kg में था, अभी मैं 92 तक पहुंच गया हूँ, तो 122 और 92 में फर्क होता है। अभी किसी ने मेरे को पूछा कि पैंट की साइज, मैं बोला 48 से शुरू थी, बाद में 46, 45, 40, अभी 38 तक पहुंच गया हूँ। 38 में खाली 1 inch बाकी है, 1 inch और वेट अंदर करूंगा 38 तक आ जाएगा। तो ये जो कुछ भी हुआ है वो सब ये हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 जिन्होंने अभी सर ने बताया कि किस तरीके से लेना है। अप्रिश का काम एक है, जब अप्रिश पीने के बाद जो एनर्जी आती है वो मुझे पता है, और खाली पेट पिए तो और अच्छा लगता है, 2-3 बार इंसान ने पीना चाहिए। चाय के बारे में इन्होंने बताया, तो चाय के बदले में अगर अप्रिश पिए तो बहुत बढ़िया रहता है और वो हेल्थी देता है। अभी मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि मेरा क्या हुआ कि मैं बहुत मोटा था, मतलब बहुत ही मोटा था, पहले का फोटो मैं दिखाऊंगा आपको कि बेटा तो ऐसे लगता है डबल चेयर देना चाहिए। और मेरे को ना एक नस जो बोलते हैं ना, एक नस का। गाइस फाइनली हमारा जो आज का हेल्थ सेशन चल रहा था क्वेश्चन आंसर का, वो खत्म हुआ और मैं घर के लिए निकल गई हूँ, और वही ऑटो मुझे आज फिर से लकीली मिल गया, इको फ्रेंडली, मैं बहुत खुश हुई। तो बस इसी खुशी के साथ घर पे जा रही हूँ। लेकिन ना गाइस मुझे ना हेल्थ सेंटर अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट के साथ साथ ना यहाँ के जो मोटिवेशनल स्पीच मिलती है ना, वो मुझे बहुत ताकत देती है, बहुत मोटिवेट करती है, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं ना गाइस। तो मैंने सोचा है दिल में कि इंशाल्लाह कभी मौका मिला ना तो मैं भी लोगों की भलाई करूँगी, लोगों के हेल्थ के लिए काम करूँगी। बस यही सोच के साथ आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।